नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो चार का चक्रव्यूह में, जहां बात होगी आज चार बड़ी खबरों की। चार तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पहली बड़ी खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां IMA ने कांवड़ यात्रा को लेकर चिंता जाहिर की है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर भी कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी हुई है। दरअसल तीसरी लहर को लेकर PM मोदी ने चेताया है। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली में देरी से पहुंचे मॉनसून से जुड़ी हुई है, जहां पहली बारिश ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं चौथी बड़ी खबर असम से है, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र से पहले दिन राज्य में मवेशियों के सुरक्षा के लिए कानून पेश किया है। सभी खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। जुलाई अगस्त में होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। उत्तराखंड की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग रखी है। दरअसल कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते IMA ने इसे रद्द करने की आवाज उठाई है। इसे लेकर IMA के राज्य सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने CM को पत्र लिखा है। IMA ने अपने पत्र में लिखा कि तीसरी लहर देश में दस्तक देने वाली है। कोरोना की पहली लहर के बाद कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते कोरोना की दूसरी लहर से ज्यादा तबाही मची थी। आपको बता दें कि लगभग एक पखवाड़े तक चलने वाली कांवड़ यात्रा सावन महीने की शुरुआत से लेकर तकरीबन 15 दिन तक चलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लाखों कांवड़िए गंगा का पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार में जमा होते हैं। ऐसे में IMA ने कहा है कि पर्यटन यात्राएं और धार्मिक आस्थाएं जरूरी हैं, पर अभी इसके लिए कुछ महीने इंतजार करना ही बेहतर होगा। दुनिया भर से हमें सीख लेने की जरूरत है। किसी भी महामारी का इतिहास उठाकर देख लें, तीसरी लहर का को टाला नहीं जा सका है और दूसरी के बाद इसके आने का अंतराल भी बहुत लंबा नहीं रहा, जिसके बाद हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तब लोग बेफिक्र होकर घूमने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, ये बेहद दुखद है। IMA की ओर से ये बयान ठीक उस दिन सामने आया जब पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने पर भी चर्चा कर रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मानना है कि यद्यपि ये आस्था से जुड़ा विषय है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए लोगों के जीवन को भी संकट में नहीं डाला जा सकता और ईश्वर भी इस बात को नहीं चाहेंगे कि किसी व्यक्ति की इस कारण से मृत्यु हो। क्योंकि इस मामले में अन्य राज्य भी शामिल हैं, इसलिए बहुत गहन विचार विमर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इस बीच कई राज्यों में नए मामलों की बढ़ने की खबरें सामने आने लगी हैं। इसी बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से COVID-19 को लेकर अहम चर्चा की। हिल स्टेशन, पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही भीड़ को लेकर PM मोदी ने चिंता व्यक्त की और लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। PM नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर पूर्वोत्तर के राज्य जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। जिन राज्यों में अभी कमी महसूस हो रही है वहां पर भी इस पर जोर देने की जरूरत है। PM मोदी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों ने काम किया है, पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में मामले बढ़े हैं, ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। PM मोदी ने कहा कि कंटेनमेंट नीति पर जोर देकर ही सही एक्शन लिया जा सकता है। PM ने कहा कि हमें कोरोना के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी, ये बहुरूपिया है और बार बार अपना रंग बदलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हिल स्टेशन पर जो भीड़ उमड़ रही है वो चिंता का विषय है, यहाँ लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि लोग तर्क दे रहे हैं कि तीसरी लहर से पहले वो घूम रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर खुद नहीं आएगी, उसे इसी तरह लाया जाएगा।
वैक्सीनेशन के मसले पर हमें हर किसी को जागरूक करना होगा। पिछले एक हफ्ते में पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना के मामले अचानक तेजी पकड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि हर 5 में से तीसरा ऐसा जिला जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है वहां पूर्वोत्तर के राज्य ही हैं। दिल्ली NCR में लंबे इंतजार के बाद मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में मॉनसून की एंट्री हो गई है। मंगलवार की सुबह दिल्ली NCR में बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत जरूर मिली। यहाँ बीते कई दिनों से गर्मी के ताप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। दिल्ली में भी मॉनसून की दस्तक के साथ ही बरसात के मौसम में होने वाली समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। कई जगह पर सड़कों पर पानी का जमावड़ा दिख रहा है तो भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं। मथुरा रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम की नौबत बन गई। वहीं सरिता विहार, दिल्ली कैंट, सेंट्रल दिल्ली समेत कई जगह लोगों को जलभराव की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। झमाझम बारिश की वजह से दिल्ली में NH9 पर जाम भी लग गया। दिल्ली NCR में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में मॉनसून की एंट्री हो गई है और इसी के साथ दिल्ली के कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति भी बन गई है। वहीं दिल्ली मेरठ हाईवे भी जाम होता हुआ नजर आया और पहली ही बारिश ने दिल्ली की नगरपालिका की और सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बता दें दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। इससे पहले यानी कि सोमवार को दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून राजस्थान के जैसलमेर और गंगा नहर तक पहुंच चुका था और दिल्ली और हरियाणा के इलाकों से छिटक गया था, लेकिन दिल्ली और गुरुग्राम में हुई बारिश ने तापमान भी कम कर दिया है। मानसून की पहली बारिश ने जिला प्रशासनों की पोल खोल के रख दी है। अगर बात करें दिल्ली NCR और खासतौर से गाजियाबाद, मेरठ और इसके आसपास दिल्ली के सटे इलाकों की, तो यहाँ पर पहली ही बारिश से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। सड़कों पर घंटों घंटों जाम देखने को मिला। ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी मशक्क़त के बाद जाम को खुलवाना पड़ा और जाम हालांकि खुल तो गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि पहली ही बारिश में नगर निगम और ज़िला प्रशासन की पोल खुलती दिख रही है, चूँकि जितने भी नाले हैं वो चौक होते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर पानी आ गया है और गली बस्तियों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हालात बद से बदतर हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है जो हाईवेज सर पर दौड़ते हैं वो हाईवे हल्की सी बारिश में, मौसम की पहली बारिश में न केवल जलमग्न हो गए बल्कि यातायात पूरी तरीके से बाधित होता दिखाई दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितनी व्यवस्थाएं मौसम के मानसून के आने से पहले करने की प्रशासन बातें कर रहा था वो व्यवस्थाएँ धरातल पर नहीं दिखाई दी। अपने सहयोगी समद के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, वेस्ट UP। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य में मवेशियों की रक्षा के लिए एक कानून पेश किया। इस कानून को असम गौ संरक्षण विधेयक 2021 कहा जाता है। इस कानून का उद्देश्य पड़ोसी बांग्लादेशी में गायों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए असम के माध्यम से गायों के इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाना है। विधेयक राज्य के बाहर मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना करता है। ये विधेयक बांग्लादेश में अवैध पशु तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस बीच गाय संरक्षण विधेयक पेश करने के असम सरकार के कदम ने अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में चिंता बढ़ा दी है जहां गौमांस का सेवन किया जाता है। विधेयक के अनुसार कृषि और पशुपालन उद्देश्यों के लिए परिवहन की अनुमति वाले मवेशियों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना होगा। वहीं इस विधेयक में मवेशियों के परिवहन पर कुछ छूट दी गई है जिसके तहत किसी जिले के अंदर मवेशियों को चरगाह या खेती या पशुपालन के उद्देश्य से ले जाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि जिले के अंदर ऐसे मवेशियों की बिक्री और खरीद के उद्देश्य से रजिस्टर किए गए जानवरों
को बाजार में मवेशियों के परिवहन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। असम पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुख्य प्रवेश द्वार है और मवेशियों के अलावा भी देश के अन्य हिस्सों से आने वाले सभी सामान इसी से होकर गुजरते हैं। ऐसे में गाय संरक्षण विधेयक से कई ईसाई बहुल राज्यों में जहां गौमांस खाया जाता है वहां सप्लाई प्रभावित होगी, जबकि नागालैंड और मिजोरम ने अभी तक असम के इस कानून पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो केंद्र के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि नया कानून अन्य राज्यों में गौमांस की सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। वहीं ये विधेयक असम में गौमांस की बिक्री को कुछ स्थानों तक सीमित करने का भी प्रयास करता है। एक बार कानून बन जाने के बाद बीफ को केवल न कानून द्वारा रजिस्टर स्थानों पर ही बेचने की अनुमति होगी। चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे चार बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।